हिंदू राष्ट्र बन सकता है? कैसे बनेगा? लोगों का दिल जीते बिना क्या कर लोगे आप? जाति की वजह से उत्पीड़न कर रहे हो, मूंछ रखने पे हत्या कर रहे हो, घोड़े घड़े छूने पे हत्या कर रहे हो, घोड़े पे बरात निकालने पे हमला कर रहे हो, कैसे बनेगा? वो सपना उनका सपना रहेगा। पहले वो लोग अपने अपने अंदर के राग द्वेष लोभ मोह अहंकार को तो जीत लें। इतने अहंकारी हो गए, आए दिन हत्या कर रहे हैं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अशोक विजयदशमी के अवसर पर ये जो नजारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये किसी मेले का नहीं है, ये दरअसल एक अलग तरीके का मेला है जिसमें लोग अपने धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं और लोग बौद्ध धर्म से जुड़ने की आज यहाँ दीक्षा लेने आए हैं। ये 10,000 लोग जो राजेंद्र पाल गौतम की जो संकल्पना है उसकी पहली जो खेप है उसके तहत आज यहाँ एकत्रित हुए हैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन में, और यहाँ से ये लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली और उन्होंने इन सारे धर्मों से हटकर सिर्फ बौद्ध धर्म को क्यों चुना, इस बात पर आए दिन हम चर्चा करते रहते हैं, इस बात के तह तक जाने की कोशिशें करते रहते हैं, और उस कोशिश में हम ये बता दे रहे हैं कि किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है वो बाकी धर्मों से अलग है। ये एक धर्म नहीं, ये एक धर्म है, ये शिक्षा है, मानव मानव एक समान, ये शिक्षा है लोगों को एक समान एक नजरिए से देखने की, सबके प्रति समान आदर की, समान भाव की, करुणा की, और इसी प्रेरणा के साथ, इसी विचार के साथ आज ये तमाम लोग हिंदू धर्म को छोड़कर, अपने अपने धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म से जुड़ने आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो आए हैं ये अपनी इच्छा से आए हैं, इन्हें किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, और कहीं ना कहीं इनके इनके मन में जो पहले अभाव थे, जो ज्ञान का अभाव था, बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी का अभाव था, उस पर जब इन्हें रोशनी पड़ी और बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने समझा जाना, तो आज ये यहाँ पहुँचे हैं बौद्ध धर्म से जुड़ने के लिए। यहाँ राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा आयोजन जिनके वजह से हो रहा है, जिनका एक नारा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और उसके तहत ये पूरी जो इनकी व्यवस्था है जिसको ये चला रहे हैं कि 2025 की अशोक विजय दशमी तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने की इनकी कोशिश है, उसकी आज ये शुरुआत है। और आज इस विजयदशमी पर आज इन्होंने यहाँ से 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने का काम किया है। आने वाले 2025 तक वो 10 करोड़ लोगों को, ये संख्या सुनने में बेशक ज्यादा लगे, लेकिन आज यहाँ ये तादाद जो आप देख रहे हैं इसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये उम्मीद जगती है कि 2025 तक शायद ये संख्या जितनी ज्यादा सुनने में लग रही है उतनी ना लगे और लोग इससे जुड़े। आज यहाँ ये तमाम लोग पहुंचे हैं। आज के दिन इसकी पूर्व संध्या पर हमने नागपुर में दीक्षा भूमि में जो नजारा था वो देखा कि किस तरीके से वहाँ लोग पहुंचे हैं बाबा साहेब को नमन करने के लिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए, और आज यहाँ दिल्ली में ये पहली बार हो रहा है जब इस तरीके से इतने सारे लोग एक साथ बौद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता फैलती है वैसे वैसे वो बौद्ध धर्म से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र पाल गौतम जो संयोजक हैं इस पूरे प्रोग्राम के, इस पूरी संकल्पना के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज उन्हें कैसा लग रहा है जब उनका ये सपना अपना पहला कदम ले रहा है। सर, आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज आपका जो सपना है उसकी पहली कड़ी आपने पूरी की है, और जैसा कि आपने बताया कि जो आंकड़े हैं वो 10,000 का आपने रखा था, उससे आगे बढ़कर 1,00,000 लोगों ने बौद्ध धर्म से जुड़ने की जो आज मंशा है वो प्रकट की और जुड़े, कैसा लग रहा है सर आपको? बस ऐसा लग रहा है जो बाबा साहब का सपना था हम उसको पूरा करने की तरफ बढ़ चले हैं, वो पूरा होगा। 2025 में जो लोग कहते थे कि 10 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, पूरी नहीं हो पाएगी, अब लग रहा है कि वो लक्ष्य छोटा है। ये 10 करोड़ का डबल होगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, और मैं जानता हूँ सबके चेहरे खुश हैं, खिले हुए हैं, इसका मतलब लोगों में जो अंदर दबी हुई भावना वो निकल के आ रही है। सबको अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत फलती फूलती अच्छी लगती है, सबको जब न्याय मिलता है, मानवता का शासन आता है, जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनता है, सबको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ आपको भी इस गौरव की अनुभूति हो रही होगी, और 2025 के बारे में आँख मिच के जरा सोचिए कैसा सौंदर्य वो वातावरण होगा जब छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, बाबा साहब को सपने को पूरा करने वाला बौद्ध में भारत का निर्माण होगा। सर, एक ऐसा ही सपना लोगों को दिखाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का कि उनके जो देश है वो हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ हिंदुओं का दबदबा होगा। मैं समझता हूँ पहले इंसान तो बन जाएं, जिस सामाजिक व्यवस्था में जातियाँ बनी हुई हैं, छुआछूत बना ऊंच नीच बनी हुई है, उस सामाजिक व्यवस्था में भारत कभी दुनिया में विश्वगुरु नहीं बन सकता, सपना सपना रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन सकता है? कैसे बनेगा? लोगों का दिल जीते बिना क्या कर लोगे आप? जाति की वजह से उत्पीड़न कर रहे हो, मूंछ रखने पे हत्या कर रहे हो, घोड़े घड़े छूने पे हत्या कर रहे हो, घोड़े पे बरात निकालने पे हमला कर रहे हो, कैसे बनेगा? वो सपना उनका सपना रहेगा।
पहले वो लोग अपने अपने अंदर के राग द्वेष लोभ मोह अहंकार को तो जीत लें, इतने अहंकारी हो गए आज दिन हत्या कर रहे हैं। सर एक तरफ आप हैं जो लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहेब के सपने को साकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामदास अठावले जी का कहना है कि बाबा साहेब बौद्ध धर्म को अपनाना ही नहीं चाहते थे। अठावले जी अपने पुराने भाषणों को निकाल लें, जब दलित पैंथर में हुआ करते थे तब क्या बोलते थे, जब वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से पहली बार सांसद बने तब क्या बोलते थे। मानसिक रूप से भी गुलामी आ गई है क्या? समाज ऐसे लोगों को जवाब देने में सक्षम है, जवाब समाज देगा। इसका कारण क्या है सर, आपको क्या लगता है जो बदलाव रामदास अठावले जी और ऐसे मंत्रियों में जो बदलाव आया है भाषणों में विचारों में, इसका मुख्य कारण क्या है? ये कुर्सी ऐसी चीज है जो उससे चिपक जाता है ना, वो खत्म हो जाता है, वो भी खत्म होने की तरफ है। जो कुर्सी छोड़कर समाज के हक अधिकार के लिए आगे चलता है उसके पीछे कुर्सियां चलती हैं। लोग अपने अपनी अपनी अहमियत समझें, लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की अहमियत को समझें, लोग मानवता की ताकत को समझें, लोग अपने अंदर धैर्य पैदा करें। धैर्य ताकत है, किसी की हत्या करना कोई ताकत की निशानी नहीं है, किसी को भयभीत करना ताकत की निशानी नहीं है। धैर्य के साथ सबको अपने मन में समा लेना, राग द्वेष लोभ मोह को अपने अंदर पी जाना, उसको खत्म करके मानवता का शासन लाना, ये सबसे बड़ी ताकत है, इसी को जीना होगा। सर वो लोग जो अभी भी हिंदू धर्म में हैं और उस मोह में पड़े हुए हैं, मंदिर और पूजा पाठ कर्म कांड में पड़े हुए हैं, जो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तैयार रहें, जिस तरह अभी मूर्ति छूने पे हत्या हुई है 3 दिन पहले प्रतापगढ़ में, उनमें से भी उसके किसी भाई बहन की हत्या होने वाली है, वो तय कर लें। उन्हें छुआछूत मुक्त भारत चाहिए, जातिवाद मुक्त भारत चाहिए, या जाति की वजह से गुलामी चाहिए, उत्पीड़न चाहिए, बदहाली चाहिए, असमानता चाहिए, विषमता चाहिए, वो तय कर लें, उनको तय करना होगा। अपने भाषण में आरक्षण को कहा खत्म कर देते हमें बराबरी का, अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या बराबरी मिल जाएगी? नौकरियों में आपने कहा नौकरियां खत्म हो गई हैं, हमें भले ही आरक्षण है, कहाँ कहाँ है नौकरियाँ? आप 3 वैकेंसी निकालते, 3 जनरल को जा रही है, कहाँ? झूठ है। जो जितनी वैकेंसी निकाली आप, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप कैमरे में कैद कीजिए और जाके पूरे दुनिया को दिखाइए, जितनी वैकेंसी निकलती है उसका फोटो खींचिए आप अखबार से, और उसमें देखिए कितनी वैकेंसी जर्नल को, कितनी ईडब्ल्यूएस को। देखिए 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटेड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट 2000 नॉट इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, 2000 हैवीली रिप्रेजेंटेड, 2000 नीदर सोशली नॉर एजुकेशनली बैकवर्ड, दे आर नॉट एंटाइटेड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। नाउ मैटर इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डे टू डे हियरिंग इज गोइंग ऑन, आई थिंक द रिजल्ट विल कम सून। सर फिर उन लोगों का क्या जो आरक्षण के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार अपने पदों की मांग करते रहते हैं कि आरक्षण के तहत उनके पदों की नियुक्ति होनी चाहिए? मैं आपको साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब केवल रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, अब देश की खेती की भूमि में हिस्सा चाहिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए, देश के खनिज पदार्थों की खानों में हिस्सा चाहिए, देश के सर्वोच्च न्यायालयों में हिस्सा चाहिए, देश के तमाम पदों पर सब जगह हिस्सा चाहिए, उद्योगों में हिस्सा चाहिए, स्कूलों में, अस्पतालों में, सब जगह हिस्सा चाहिए, देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं सब में हिस्सा चाहिए। केवल आरक्षण का झूठा नाम हमें बदनाम कर रहा है, ये बदनामी स्वीकार नहीं है, अब तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात है। सर आज के मुद्दे पर आते हैं, आज आरक्षण खत्म करने की बात आप कर रहे हैं, बट ईडब्ल्यूएस की सीटों पे आरक्षण से नियुक्ति हो रही है, बट एससी एसटी ओबीसी की सीटें खाली रह जा रही है, उन पे नियुक्ति नहीं हो पा रही। नहीं, जब न्यूरक जिसका काम है संविधान को पूरी तरह पालन करना, जब उसका मन पवित्र नहीं है, वो बेईमान है, तो फिर हमारे लोगों को हक और अधिकार मिलेगा कैसे? सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलना होगा। हमें वोट बैंक नहीं बनना है, हमारा समाज वोट बैंक बन जाता है। कांग्रेस लूट रही है, बीजेपी लूट रही है, जो मर्जी लूट ले, लूटने को तैयार है, लूट क्यों रहे हो भाई? सीधे सीधे बात करो हक और अधिकार की, हम लोग उसके साथ हैं जो हमें न्याय देगा, हम लोग उसके साथ हैं जो जातिवाद मुक्त छुआछूत मुक्त भारत बनाएगा, हम उसके साथ हैं जो देश के संसाधनों में हमें हिस्सेदारी भागीदारी देगा।